Hey guys, once again welcome back to the channel SK Account Classes. तो guys, आज हम फिर आए हैं आपकी एक और नई डिमांड के साथ चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. देखो यहाँ पे हमारे पास फिर वही सेम questions वैसे ही चलने वाले हैं, बट यहाँ पे जहां जहां आपको डाउट हो रहे हैं ना, वो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा 100% गारंटी के साथ. ठीक है, फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है ही, कोई भी डाउट हो पूछ लो. ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सब पूछ लिया करो. ठीक, चलो उसके बाद साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन या कोई रिलेशन में कोई भी आपका छोटा भाई बहन है तो उनको जरूर से ये चैनल शेयर जरूर कर देना, मेरे लिए कर देना, कि अगर कोई क्लास 11th का बच्चा है तो वो भी पढ़ सके, उनको भी हेल्प मिल सके, उन सारे लोगों के पास वीडियो जाए जिनके पास ये चैनल अभी तक नहीं पहुंचा है, वो भी जाके हमारी वीडियोस को देख सके. और अच्छे लगे वीडियो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है, तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, एंड तक वीडियो में बने रहना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, आराम से समझ में आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 55 में सबसे पहले बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे पॉइंट बी से. देखो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो आराम से कर सके, कोई भी डिफिकल्टीज किसी को भी ना हो सके. ठीक, चलो सेकंड वाला पढ़ना ध्यान से, कि स्टॉक वुड बी रिवैल्यूएट एट 34,000 एंड फर्नीचर एट 7,000. देखो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, अब स्टॉक 34,000 इसमें कह रहा है तो स्टॉक हमारे बैलेंस शीट में कितना होगा. देखो बैलेंस शीट में हमारे पास कितना दिया हुआ है, स्टॉक 38,000. देखो 38 से 34 हो गया, ध्यान से समझना, बेसिक क्वेश्चन के साथ में चला हूं. देखो बेसिक एकदम बेसिक हो गया, हम पढ़ेंगे. ठीक, 38 से 34 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 4,000 घट गया. एसेट घटता है किस साइड घटता है, देखो यहां पे क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो इस साइड, और लायबिलिटी घटती है तो इस साइड. एसेट यहां पर घटता है और लायबिलिटी बढ़ती है तो इस साइड. तो देखो यहां एसेट हमारा घट रहा है, तो टू स्टॉक जितना घट रहा है वो वाला अमाउंट, ना कि पूरा. हमेशा याद रखना, यहां से कुछ बच्चों से गलती होती है तो गलती नहीं होगी अब से, स्टॉक हमारा जितना दिया हुआ है वो मत लिख देना, जितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में वो वाला लिखना जरूर से. ठीक है, चलो 4,000 यहां हम लिख देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, फर्नीचर एट 7,000, मतलब देखो फर्नीचर हमारा कितना दिया हुआ था, 8,000 से कितना हो गया 7,000, डिफरेंस देखो कितने का आया, 1,000. चलो तो इस साइड लेते हो टू फर्नीचर. ठीक है, 1,000. आगे देखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन एट 5%. देखो यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे एसेट लायबिलिटी अगर आपको छांटने में दिक्कत होता है, यहाँ पे पहली बात समझ लेना, अगर आप क्रिएट करते हो बैड डेब्ट्स, ठीक है, तो अगर कोई कितना भी परसेंट, 5%, 6%, 10%, कितना भी दिया हुआ हो, अगर आप क्रिएट करते हो हमेशा टू साइड लेकर आना, हमेशा भूलना नहीं, थोड़ा सा भी. क्वेश्चन जितने लगाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, सब में सही रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए. वैसे मैं आप सभी के लिए इतना तक कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में कहोगे 100 क्वेश्चन दिए हुए, 100 में से जितने क्वेश्चन आपको चाहिए, 100 तक पूरे भी चाहिए, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. मैं कह रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन देने को मैं तैयार हूं. ठीक है, बस चैनल को सपोर्ट करते रहना. ठीक, तो यहां पे चलो क्रिएट कर लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. कितना करना है यहाँ पे 5% पे, तो डेटर्स हमारे 16,000 है, 5% क्रिएट करोगे तो 800 आएगा. ठीक है, 800 यहां पे आ गया. अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट वर्थ 1900 रिमेन अनरिकॉर्डेड. यहां एसेट है जो कि अनरिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्ड करोगे तो हमारी एसेट बढ़ेगी. एसेट किस साइड बढ़ती है, बाई साइड, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बहुत टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी है. ठीक है, तो देखो कितना था 1900, क्या लिख दें यहां पे, इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं 1900. चलो आगे बढ़ो, फिर है लाइबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज 6,400 बाई, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है हमारा क्या हो रहा है, पहले कितना वो दिया हुआ था हमारा 8,000, कितना हो गया 6,400. ठीक है, तो क्या हो गया, लाइबिलिटी घट गई, लाइबिलिटी घट गई तो किस साइड आया, बाई साइड. तो यहाँ क्या लिख लोगे, पीएफ में कितना आ गया हमारा 1,600. ठीक है, एक चीज और रह गया, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, बाई साइड लेते हैं ना, एसेट बढ़ रहा है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना था 50,000 बढ़ गया अगर 10% के हिसाब से, तो 5,000 ऐड कर लो, तो ये 500 यहाँ पे आ गया, मतलब 8,500 हमारा टोटल आ गया, 8,500 टोटल आ गया. तो यहाँ ऐड कर लो, इसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,700. ठीक है, यहां तक तो हो गया. अब चलो बांट लेते हैं पार्टनर्स के बीच, तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन थे, ए बी सी. अब देखो रफ पार्ट मैं यहां शुरू करता हूं, ये रफ पार्ट उन बच्चों के लिए है जिनको अभी भी दिक्कत होता है शेयर में बांटने में. ठीक है, 4:3:2, देखो
सब के अंडर में कितना गया, 9। 9 कैसे आया, 4, 3, 7 + 2, 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, 2700। 2700 को 9 से पहले डिवाइड कर लो, कितना आएगा 300 आया। जो अमाउंट हमारा आया डिवाइड करने के बाद, जो अमाउंट आया सब जितना यह वैल्यू दिया हुआ है सबसे इंटू करते जाओ, हमारा आंसर यही आ जाएगा ए बी सी। तो यहाँ देखो इंटू करो, पहले में 1200, दूसरे में करो 900, तीसरे में करो 600, तीनों ऐड करके रख लो, तीनों में आपका अमाउंट पक्का 100% गारंटी ऐड करोगे 2700 ही आएगा। तो यहाँ से देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट काफी बड़ा अकाउंट है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था जहां पे हमारे चार पार्टनर थे, तीन तक हमने देखा था बट यहाँ पे चार है। ठीक है, तो वैसे ही पुराना ही रूल लगेगा, कुछ नया नहीं है, पुराने हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी, ठीक है, तो यहां पे जिनका कैपिटल था उतना लिख लो 36,000, फिर 30,000 एंड 25,000 इनके नाम के आगे डैश, फिर यहां पे करंट अकाउंट दिया हुआ है तो वो भी लिख लो। ठीक है, जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वैसे ही करंट अकाउंट भी इसमें होता है। ठीक है, तो देखो कितना है, 3000 3000 2000, ठीक है, 3000 3000 2000 इनके नाम के आगे डैश। फिर देखो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में दिया है, बैलेंस शीट में किस साइड दिया हुआ है, एसेट साइड, तो किस साइड लेकर आओगे हमारा, इस साइड। ठीक है, तो यहां इस साइड लेते आओ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो कितना दिया हुआ है 45,000। चलो फिर से वैसे ही देखो जैसे अभी तक करते आते, 4:3:2 था, तो मतलब अपॉन में हमारा कितना आ रहा था 9। अब 9 से देखो उसको डिवाइड को, 4500 को 9 से डिवाइड करो, कितना आ गया 500। मतलब कि यहां पे देखो कितना है, 4:3:2, अब हमारा डिवाइड करने के बाद 500 आया, अब इंटू कर लो 1000, फिर देखो 5 से इंटू कर लो 1500, फिर इंटू कर लो 2000, ऐड करके देख लेना 4500 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे और क्या दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड हम बांटते नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पे जितना पार्टनर कैश लेकर आया वो लिख लो, कितना लगा रहा है यहां पे 20,000 ये हो गया बाई गुडविल, जितना वो गुडविल के लिए ला रहा है। देखो अब इनको नहीं मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच हम बांटते हैं गुडविल, याद है ना। चलो तो कितना है 6,300, 6,300 को 9 से डिवाइड कर लेना, तो कितने बार में जाएगा 7 times में इसको इंटू कर लो, मतलब देखो आंसर हमारा 700 आ रहा है, तो यहाँ पे 14 हो गया, 1400, ये हो गया 2100, और ये हो गया 2800, ऐड कर लो कितना आएगा 6,300। ठीक है, अब उसके बाद देखो और कौन सी चीजें हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा था 2700 हमारा आया था। ठीक है, जैसे बांटे थे वैसे ही बांट लो, 2700 आया था, अपॉन में 9 था हमारे पास, डिवाइड किए थे है ना, तो कितना आया था 300, तो यहाँ 600 हो गया, 900 हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, नहीं, यहाँ पे 12 होगा। ठीक, अब सही है, अब यहाँ पे सही हो गया। देखो अब इसके बाद कौन सी चीजें हम और देख लेते हैं कि और कुछ बचा रह गया। देखो यहाँ पे और कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 20,000 इधर है, तो 20,000 न्यू पार्टनर के आगे लिख लेना टू बैलेंस सीडी 20,000। ठीक, फिर उसके बाद ये कितना ऐड करने पे आ रहा है 25, 26, 27, ठीक है 5, 6, 7 और 8, 9, 29,000 इधर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी ऐड कर लो 913, और ये 36,000 इधर आ रहा है, और इधर 21347, और ये 43,000 इधर आ गया। तो अब इधर बैलेंस निकाल लेना कितना आएगा 41,000, इधर निकालोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 34,500, हाँ एकदम सही चल रहा है। अब यहाँ पे निकाल दो 28,000, देखोगे तो हमारा यही आंसर आ भी रहा है हमारे आंसर में। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमारे हम सारी वो चीजें लेके जाएंगे जो अभी तक हमने रिकॉर्ड करते आए हैं, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो हमारा प्रॉफिट गया था वो सारी चीजें तो पहले में चली गई थी हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद जो हमारा बैलेंस आया था कैपिटल का, ठीक है, तीन चार जितने भी हमारे हैं उन सारे लोगों का अब कैपिटल लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब वही शुरू करते हैं। यहाँ पे पार्टनर हमारे ए बी सी और डी, ठीक है,
चार पार्टनर हैं हमारे पास, तो चारों का लेके जाओगे। ए बी सी हमारे ओल्ड पार्टनर थे, डी जो थे वो नए पार्टनर आए थे, ठीक है। चलो तो एडजस्टेड कैपिटल सबका लेके जाओ, तो कितना दिया हुआ है हमने पहले देख लिया है, 41,000 इनका है, फिर 34,500 इनका है, फिर 28,000 इनका दिया हुआ है, और हमारे ये नए पार्टनर है इसलिए हमारा यहाँ पे निकलेंगे 20,000। उसके बाद देखो मैं सबसे पहले लायबिलिटी करूंगा, यहाँ पे बहुत आसानी से हमारा पहले लायबिलिटी साइड आ जाएगा। चलो तो देखो यहाँ पे उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम उसको रिवैल्यूएट किए थे, दोबारा एडिट किए थे उस अमाउंट को, वो अमाउंट लेके जाएंगे, ठीक। चलो क्रेडिटर्स 16,000, फिर क्या हुआ है बिल्स पेबल 8,000, क्योंकि ये सारी चीजें एडजस्ट नहीं हुई है, पुरानी वाली चीजें लेके चल रहे। पीएफ हमारा दिया हुआ था 6,400। देखो याद करो मैंने पहले बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वो सारी चीजें लेके जाते हैं जो उनके बीच का डिफरेंस होता है, और बैलेंस शीट में हम वो सारी चीजें लेके जाते हैं जिनका फिक्स्ड अमाउंट हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है, ठीक है। जैसे 8,000 हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ था, ठीक है, पर हम यहाँ पे लिखे 6,400, क्यों, हमारे एडजस्टमेंट में हमसे कह रहा है ना कि इसकी वैल्यू 6,400 हो चुकी है, अब हमारी 8,000 नहीं रही, तो इसलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो डाउट आपको कहीं भी ना हो इसलिए मैं आपको सभी को बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे अमाउंट ऐड कर लेंगे, फिर देखो उसके बाद इस साइड वाले देख लेते हैं। सबसे पहले एक ही चीज लिख के चलना, बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पहले लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे आप सभी से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, देखो कहाँ पे गलती करोगे आप। देखो 6,500 हमारा अगर दिया हुआ है पहले ही उसका अमाउंट, नया पार्टनर आ रहा है 20,000 लेके, ये मत भूलना, साथ ही साथ वो लेकर आ रहा है कितना गुडविल 6,300, तो वो भी लिखेंगे 6,300। पूरा एडजस्ट करने के बाद पूरा अमाउंट लेके जाना 800, ये मतलब 32,800, ये अमाउंट बाहर लिखना, ठीक है, ऐसे करना। बैलेंस शीट हमारा ऐसे ही होता है, क्योंकि जब हमारे एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां भी आपकी काटते हैं। आप देखो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने का, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे भी नंबर बहुत कट जाते हैं सब बच्चों के, ठीक है। चलो आगे उसके बाद क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 50,000 था, बट याद करो एप्रिशिएट हो रहा था 10% पे, मतलब कि 55,000 यहाँ हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद था फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई थी, कह रहा था 7,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्टॉक की वैल्यू हो गई थी 34,000, ठीक है, 34,000 ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या दिया है, डेटर्स हमारे कितने के थे, 16,000 के थे, फिर याद करो उसमें 800 जो था वो प्रोविजन क्रिएट कर दिए थे, है ना, 15,200 हो गया। छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, भूलना नहीं, एक भी जगह भूलोगे ना तो आपका आंसर मैच नहीं करता, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना था, तो 8,000 हम डायरेक्ट लिख लिए, ठीक है। फिर बैंक पे प्रॉफिट एंड लॉस हमने बांट ही लिया था, तो यहाँ पे देखो सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर लिए, मगर एक चीज अभी भी रह गया। देखो एडजस्टमेंट में याद करो, अभी हम देखे थे इन्वेस्टमेंट हमारा अनरिकॉर्डेड था, तो इन्वेस्टमेंट भी इधर लेके आओगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना था 1,900, ठीक है, तो 1,900 भी यहाँ पे ऐड कर लिए। अब आपका काम इतना सा है, इधर और इधर ऐड करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना अमाउंट हमारा आ रहा है, और जल्दी से कमेंट करना, मैं सबका आंसर मुझे देखना है कि कितना आप सभी का बैलेंस शीट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, और सारी चीजें आपका डाउट हो रहा है वो सारी चीजें आप कवर करते रहो, ठीक है। मैं साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पे ये भी चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, कभी ध्यान दिया करो वीडियोस में, हमारी वीडियोस 10-15 मिनट तक ही रहती है, इसलिए कि आप देखो क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस उतनी ही रखो कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्वेश्चन को लगाओ सॉल्व करो, कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करो, कि आप जितनी गलतियां हो रही उन पे भी ध्यान दो, आप जल्दी सॉल्व करते रहो, उसके बाद एडिशन के लिए टाइम ज्यादा निकालो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आपके नेक्स्ट डिमांड के साथ।